थोड़ा एक तरफ आगे बढ़ेंगे, दोनों इसके बाद भी दाखिले हैं, इसके बाद भी और काफ़ी दाखिले हैं। दाखिला नंबर 15 तक इस चैप्टर में दाखिले हुए, बट दाखिला नंबर 15 तक मैं दाखिले कराऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने एक दाखिले दोबारा रिपीट नहीं कराए हैं। हर तरह का एक एक दाखिला करा लिया है मैंने, आपको करवा दिया है। तो अब बाकी के जो सेम दाखिले हैं, जैसे कि आमलों के ऊपर से खत्म नहीं करना, बेटा लोन के ऊपर से खत्म नहीं करना, रुकड़मेट के ऊपर से खत्म नहीं करना, और उसके बाद है बेटा रुकड़मेट के ऊपर से खत्म नहीं करना, ये सारी एंट्री, ये सारे दाखिले आपको खुद अपने आप से करना है, ठीक है। आखिरी दाखिले की तरफ मैं आगे बढ़ूँगी। यहाँ पर बेटा रुकड़मेट का दाखिला स्टार्ट करके दाखिला नंबर 12 नीचे की विगतों पर थी, अनुज चोसना चोपड़ा में बेटा रुकड़मेट तैयार करी तेनी खत्म नहीं करो। यहाँ पर मैंने बेटा रुकड़मेट का एक नमूना बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग, जैसे कि आपको पता है, आवक लिखी थी बेटा रुकड़मेट में। यहाँ पर स्टार्टिंग में आवक लिखी जाती है, यहाँ पर तारीख लिखी जाती है, ये विगत के कॉलम है, खाते का पाना नंबर, यहाँ पर लास्ट में व्यक्ति लिखा हुआ था, खाते का पाना नंबर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर होती है वाउचर नंबर, यहाँ होता है कुल खर्च। अब इसके बाद की जो भी कॉलम है उसके अंदर खर्चे के हिसाब से कॉलम बनाई जाती है। इतनी कॉलम कंफर्म होती है, आवक, तारीख, विगत, वाउचर नंबर, कुल खर्च, आखिर से पहले, आखिर में व्यक्ति, और उससे पहले खाते का पाना नंबर। बीच में की जो कॉलम होती है उसके अंदर खर्चे के हिसाब से कॉलम बनाई जाती है। जैसे कि आपको रकम में किस तरह का खर्चा दिया हुआ है उस तरह की कॉलम बनानी है। ये कॉलम बनाना फिक्स है जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है। चलो अभी यहाँ पर रोकड़ सिलक में आवक में लिखेंगे कैशियर मजूरी। तीसरी रकम में देखो मजूरी लाड़ी भरा दिया हुआ है। चौथे नंबर पे देखो स्टेशनरी दिया हुआ है। पांचवें नंबर पे टार टपाल का खर्चा दिया हुआ है। सातवें नंबर पे फिर पीछा लाड़ी वापस से लाड़ी भरा, लाड़ी भरे की कॉलम एक ही बनाएंगे। ऑफिस न मोबाइल रिचार्ज, इसको हम परचूरण खर्च गिन लेंगे। ऑफिस ना काम माटे जेरोक्स, जेरोक्स को भी हम लोग परचूरण खर्च गिन लेंगे। पूर्वी ए अने मीना हिया ने 800 चुकाया, पूर्वी ना ने मीना हिया ने 800 चुकाया, ये व्यक्ति का खर्च है, किसी इंसान को चुकाया हुआ। चलो तब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे मजदूरी की, लारी खड़े की, स्टेशनरी की, तार टपाल की और परचूरण खर्च की। मजदूरी की लारी भाड़ा, स्टेशनरी खर्च, तार टपाल का खर्चा और परचूरण खर्चा, तीन कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे और खत्म होगी, खत्म नहीं करेंगे उसके बाद। चलो अब यहाँ पर 2016 जुलाई स्टार्टिंग में रकम सीधा कितनी दी हुई है 2800, बाकी आगे लाए कितने 2800 रुपये। कैसे रिसान पासे थी 5000 मड़िया। तारीख 2 कैशियर पासे थी कितने मिले 5000 रुपये मिले। अब उसके बाद खर्चे आ गए हमारे, मजूरी का खर्चा और लाड़ी भाड़ का खर्चा, टोटल कितना खर्चा हुआ। कुल खर्च की कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे 250 और 120, 370 रुपये टोटल हमको खर्चा हुआ, जिसके अंदर मजदूरी 250 और लाड़ी भाड़ा 120। ये एक एंट्री हो गई हमारी, मजदूरी 150 और लाड़ी भाड़ा 120। चौथी तारीख स्टेशनरी खर्ची माटे 320 चुका गया। स्टेशनरी खर्चा, स्टेशनरी खर्च खाते कितना चुकाया 320। स्टेशनरी के कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे 320 रुपये। अब और आगे तारीख 5 कोर्स मुकलवाना खर्च बेटे 150 रुपया। कोर्स खर्च यानी तार टपाल का खर्च, कोर्स का खर्च हमने चुकाया 150, तार टपाल में लिखेंगे 150।
खिलाड़ी भाड़ा खाते, कितना छुपाया है हमने? 130। लाड़ी भाड़े की कॉल हमने लिखेंगे 130। 8 तारीख मोबाइल के रिचार्ज के 250 चुकाए, परचूरण खर्च हमने 250 रुपये रिचार्ज में दिए। ये 250 रुपये यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे, परचूरण खर्च की 250। ऑफिस में काम आते जेरोक्स ना एसी चुकाया, ये भी परचूरण खर्च में गिनेंगे। 9 तारीख 10 तारीख परचूरण खर्च, ये एक्स्ट्रा का जो खर्चा होता है उसे चिल्लर खर्च गिना जाता है। उर्दू मीडियम आपको चिल्लर खर्च में लिखना है, परचूरण खर्च 80। पूर्वी ने 1200 ने दिया ने 800 चुका गया। 11 तारीख पूर्वी को हमने चुकाए 1200 रुपये, यहाँ पर लिखेंगे 1200। और 11 तारीख दिया के खाते में 800 दिया को चुकाए हमने। चलो अभी बाकी निकालेंगे, बाकी आगे रह गए, बाकी निकलेगी 4500। ये 5000, ये टोटल अमाउंट है हमारी 5700 में से, ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारी बाकी निकलेगी 12 तारीख को। बाकी आगे ले गए, हमारी बाकी निकलेगी 4500 रुपये। अब बाकी की सारी कॉलम का हमको टोटल यहाँ पर कर देना है, जितनी भी टोटल जितनी भी कॉलम है वो सबका टोटल हम यहाँ पर कर देंगे। 1200 2000 होते हैं और ये यहाँ पर 330 होते हैं, 150, 320, बाद 24 250, यहाँ पर भी 250 हो गया। टोटल कितने खाते बनेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर 7 खाते बनने वाले हैं। नाम लिखेंगे आप टोटल कितने खाते बनेंगे, एक मजदूरी लाड़ी भाड़ा, स्टेशनरी, उसके बाद बनेगा तार टपाल, परचूरण खर्च, पूर्वी और हिया का खाता बनेगा। यहाँ पर ये 3 7 जितने लोग हैं ये सबका एक एक खाता बनेगा। 1 2 3 4 5 6 5 परचूरण खर्च का एक ही खाता, 6 5 और 6 और ये 7, टोटल अब हम 7 खाते यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर एंट्री करेंगे। ये मैंने खाते बना रखे हैं, टोटल 7 खाते बनाए मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मजदूरी का खाता, लाड़ी भाड़े का खाता, स्टेशनरी खर्च का खाता, पोस्ट खर्च का खाता, परचूरण खर्च, पूर्वी का खाता और हिया का खाता। अब ये एंट्री को यहाँ पर लेके जाएंगे। मजदूरी यहाँ पर हमने चुकाई, हमारे पास से नकद गई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने नकद में जमा बाजू पर सारी एंट्री की है, सभी में सभी जो जितना भी खर्चा हुआ है वो सब हमारा खर्चा है। मजदूरी, लाड़ी भाड़ा, ये सब हमने चुकाया है, इसका मतलब सभी में हमारे पास से पैसे गए। तो जमा बाजू पर एंट्री हुई है ये रोकड़ में। अब यहाँ पर हम उधार बाजू पर एंट्री करेंगे। मजदूरी 3 तारीख मजदूरी के खाते में लिखेंगे नकद गई हमारे पास से, नकद के खाते का नाम, कितनी मजदूरी चुकाई 250। लाड़ी भाड़ा भी हमने 3 तारीख को चुकाया है, नकद के खाते में नकद चुकाई, नकद से पैसे दिए हैं 120 रुपये। अब स्टेशनरी खर्च 4 तारीख यहाँ पर हमने नकद चुकाई है, नकद के खाते का नाम लिखेंगे, सामने वाले का नाम, स्टेशनरी खर्च हमने चुकाया है 320 रुपये। उसके बाद पोस्ट खर्च, पोस्ट खर्च हमने तार टपाल का खर्च 5 तारीख को हमने चुकाया, पोस्ट खर्च
इसको हम तार टपाल भी लिखते हैं, रोकड़ खाते, नकद में पैसा हमने चुकाया 150 रुपये। अब तारीख 7 वापस से लारी भाड़े के खाते में आएंगे। 7 तारीख को हमने फिर वापस लारी भाड़ा चुकाया, लारी का किराया चुकाया, लारी का किराया हमने कितना चुकाया 130 रुपये। परचूरण खर्च हमने 2 बार चुकाया, एक है 8 तारीख को, उधर बाजू पर हमारे पास है नकद देरी, पहले हमने परचूरण खर्च कितना दिया 250, दूसरी बार हमने परचूरण खर्च दिया 10 तारीख को, नकद कितनी चुकाई हमने 80 रुपये। अब उसके बाद हमने पूर्वी को पैसा चुकाया 11 तारीख को, ये खर्च पूर्वी के खाते में लिख दिया गया, जिससे यहाँ पर आएगा 10 तारीख हमने परचूरण खर्च चुकाया 80 रुपये। अब इसके बाद 11 तारीख को पूर्वी को हमने नकद चुकाई, नकद का खाता 1200 रुपये, और उसके बाद हमने हिया को नकद चुकाई, नकद का खाता 800 रुपये। इतनी एंट्री हमारी पेटा रोकड़मेड में हो गई है। बस हमारे को सबसे पहले स्टार्टिंग में जो भी पेटा नोन रोकड़मेड पेटा रोकड़मेड जो भी बनाना होता है वही काम थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब उसके बाद खाता बही में लेके जाना इजी है, खाता बही में उसको लेके जाने का काम बहुत इजी होता है। अब आपको मैं यहाँ पर बाकी निकालना सिखाती हूँ, बाकी कैसे निकाली जाती है मैं आपको यहाँ पर बाकी निकालना सिखा देती हूँ, क्योंकि बाद में आपको बाकी निकालनी होगी दाखिले में, यहाँ पर हम बाकी निकालना सीख लेंगे, ठीक है। एक पेटा रोकड़मेड में आपको बाकी निकालना सिखाती हूँ। ये तारीख कौन सी है 12, यहाँ पर हमने बाकी आखिरी तारीख में निकाली है, बाकी आगे ले गए, ठीक है। तो अब हम हर खाते की बाकी निकालेंगे, 12 तारीख आखिरी है तो यहाँ पर आखिरी 12 तारीख में हम बाकी निकालेंगे, बाकी आगे ले गए। तो उधर बाजू की एंट्री में से जमा बाजू की एंट्री माइनस, जमा बाजू की एंट्री ज़्यादा हो तो उधर बाजू की एंट्री माइनस, उधर बाजू की एंट्री ज़्यादा हो तो जमा बाजू की एंट्री माइनस। जो रकम ज़्यादा होती है कॉलम में, उधर में ज़्यादा हो तो जमा की बाकी निकलेगी, जमा तरफ रकम लिखी जाएगी। जमा में कॉलम ज़्यादा हो, जमा में रकम ज़्यादा हो तो उधर बाजू पर एंट्री लिखी जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ उधर बाजू पर एंट्री है, जमा बाजू पर कोई एंट्री नहीं है, हम यहाँ पर बाकी लिख देंगे 250। अब ये खाता यहाँ पर बंद हो गया 250 से। 13 तारीख से नया खाता शुरू करेंगे, बाकी आगे लाए, कितनी बाकी है 250। अब इस तरह यहाँ पर 12 तारीख में यहाँ पर भी बाकी निकालेंगे, बाकी आगे ले गए, कितनी 130, 250 टोटल यहाँ पर कितना होगा 250। यहाँ पर ये दोनों खाते बंद हो गए। 13 तारीख को फिर खाता शुरू करेंगे, बाकी आगे लाए करके 250, ये बाकी को यहाँ पर लेके आएंगे। अब इसके बाद इस खाते में 12 तारीख बाकी आगे ले गए 320, यहाँ पर भी 320। अब 13 तारीख को फिर वापस से नहीं बाकी से स्टार्ट करेंगे, बाकी आगे लाए कितनी 320। यहाँ पर जब खाता बंद करते हैं तब लिखते हैं बाकी आगे ले गए, जब खाता शुरू करते हैं तब लिखा जाता है बाकी आगे लाए, बाकी आगे ला गया। यहाँ पर भी इसी तरह 12 तारीख को खाता बंद कर देंगे, अगर 12 तारीख को खाता बंद करना है बाकी आगे ले गए कितनी 150। अब 13 तारीख से फिर वापस से दोबारा खाता शुरू हुआ तो बाकी आगे लाए 150। यहाँ पर भी 12 तारीख को बाकी आगे ले गए कितना है टोटल यहाँ पर 250 और 80, 330। ये खाता यहाँ पर बंद, 12 तारीख को बाकी आगे ले गए 330।
30। इसी तरह यहाँ पर भी बाकी आगे ले गए 1200। खाता बंद करके 13 तारीख से नया खाता स्टार्ट, नई एंट्री स्टार्ट, बाकी आगे लाए 1200। अब इसी तरह यहाँ पर 12 तारीख को बाकी आगे ले गया 800 और 13 तारीख को बाकी आगे लाए 800। अगर यहाँ का टोटल ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर लिख देते बाकी आगे ले गए, यहाँ का टोटल ज़्यादा होता तो बाकी आगे ले गए यहाँ लिखा जाता। अब यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो जमा बाजू पर सामने वाली साइड पर बाकी आगे ले गए लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी निकालना भी मैंने आपको बता दिया, खाते यहाँ पर बंद हो रहे हैं। अब बाकी के जो दाखिले हैं आप दिवाली वैकेशन में घर पे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, ये आपसे उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।